कोरोना में कब जाए अस्पताल, इसके बारे में बातचीत करूंगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो था कोरोना का घर में इलाज। अब बता रहा हूं कोरोना में हॉस्पिटल कब जाना है, अस्पताल कब जाने का है। देखिए, यदि तेज बुखार आपको है, मतलब 100 के ऊपर बुखार है, फिर वो कितना भी रहो, 101 भी रहा तभी, खांसी है, फिर पेशेंट को सुस्ती आ रही है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अपने बोलने के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रह रहा, उसको टेस्ट नहीं है, जवान को टेस्ट नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहा बराबर, तो ऐसे इसमें रुकने का नहीं है। देखो, आज तो हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना जरूरी है, थर्मामीटर होना जरूरी है, तुरंत नाप लो थर्मामीटर, आपको दिखता है कि नहीं 100 के ऊपर है बुखार, उसी समय SpO2 ले लो। यदि SpO2 लेवल 90 या 90 के नीचे है तो घर में रुकने का नहीं है, और बुखार तेज है और 95 के नीचे तो भी रुकने का नहीं है, तेज बुखार है खांसी है तो फिर रुकने का ही नहीं घर में, क्योंकि तेज बुखार और खांसी अनलेस अदरवाइज प्रूव वो कोरोना है, भले आपका टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रैट रैपिड एंटीजन टेस्ट वो तो 50% लोगों में फॉल्स नेगेटिव आती है, मतलब 100 में से 50 लोग कोरोना बाधित है तभी भी वो नेगेटिव रिपोर्ट देंगे, और RT-PCR टेस्ट 100 लोगों को पॉजिटिव लोगों को, जिनको कोरोना है उनको टेस्ट किया, तो जिनको कोरोना है उनको टेस्ट करने के बावजूद भी उनको 10-30% लोगों में वो टेस्ट नेगेटिव आएंगे, तो हमको उसके ऊपर भरोसा करना नहीं है। जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा है ऐसे इसमें हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है और डॉक्टर के सलाह लेकर तुरंत ट्रीटमेंट करना चालू करने का है। थैंक यू वेरी मच।